दोस्तों सचरे मोनून के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं जिसमें यल्लिस हालिद के पास आती है और कहती है हालिद मेरे पास एक आइडिया है। हालिद कहता है कैसा आइडिया? यल्लिस कहती है हम एक पार्टी रखते हैं करीम के ठीक होने की खुशी में। हालिद कहता है रिकवरी पार्टी यल्लिस? यल्लिस कहती है हाँ हालिद, करीम के सब दोस्त आएंगे और जहरा और लैला के दोस्त भी आएंगे। हालिद कहता है यल्लिस हम पहले ही एक पार्टी दे चुके हैं। यल्लिस कहती है वो तो ऐसे ही थी, हम एक बड़ी सी पार्टी करते हैं और वो पार्टी वैसे भी आलिया ने दी थी जब करीम हॉस्पिटल से आया था, तभी आलिया ने पार्टी दी थी। अब आपका फ़र्ज़ है पार्टी देना, हो सकता है करीम आपकी पार्टी का वेट कर रहा हो और ये करीम के लिए बेहतर होगा। हालिद कहता है अच्छा ठीक है मैं खुश हूँ। यल्दिस कहती है ठीक है फिर मैं जैनब को बता देती हूँ और जरीन को भी कॉल करती हूँ। हालिद कहता है काया को भी बता देता हूँ। फिर हालिद काया को कॉल करता है। हालिद कहता है मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया काया? काया कहता है नहीं नहीं हालिद साहब। हालिद उसे पार्टी का कहता है कि कल हमारे घर पार्टी है, आपको और आपकी बहन को हमारे घर आना है। फिर काया अपनी बहन को कहता है हालिद साहब घर में पार्टी कर रहे हैं अपने बेटे के ठीक होने की खुशी में, हमें चलना होगा। पिछली बार भी तुम नहीं चली थी, इस बार अगर तुम नहीं जाओगी तो हो सकता है हालिद साहब को बुरा लग जाए। सायका कहती है मैं बूढ़ों की पार्टी में क्या करूँगी? काया कहता है क्या यल्दिस बूढ़ी है, हालिद बूढ़ा है या उनकी बेटियाँ बूढ़ी हैं, वो लोग अभी भी जवान है। फिर सायका कहती है अच्छा ठीक है मैं चलूँगी। काया कहता है मुझे पता है तुम वहाँ बोर नहीं होगी, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों मज़ीद ड्रामा सीरियल और रिव्यूज़ और प्रोमोज़ के लिए हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।